Hello students, today I am going to start lecture number 4 of chapter basics. Okay, I think tum logon ne lecture 3 tak sab kuch cover kar liya hoga, theek hai. Okay, aaj hum log lecture number 4 start karte hain basics ka. Start kare, fine bachcho. So first I am starting with the topic law of indices, laws of indices. Ye 9th 10th mein aap logon ne padha tha. ठीक है, सपोज आई एम टेकिंग एम एंड एन आर द रिलेशनल नंबर्स, एम एंड एन आर द रिलेशनल नंबर्स. तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ए की पावर एम मल्टीप्लाई विथ ए की पावर एन, क्या लिख सकते हैं, पावर्स का एडिशन होगा तो ए की पावर एम प्लस एन. A की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, इट मींस दैट वैल्यू इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n. A की पावर m होल पावर n, इट मींस दैट इज इक्वल टू a की पावर mn. ओके, a की पावर m होल पावर 1 अपॉन n, दैट वैल्यू इज इक्वल टू a की पावर m अपॉन n. ओके, ये सब लोगों को पता है. एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं पुट अप करता हूं. सपोज आई एम पुटिंग दिस इज द फिफ्थ रूट ऑफ 2 की पावर 1 बाय 2, 2 की पावर 1 बाय 3, ओके, होल पावर 6. तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो दिस इज द फिफ्थ रूट ऑफ 2 की पावर 1 बाय 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 बाय 3, इट मीन्स एडिशन ऑफ पावर्स. तो 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 एंड होल पावर इज 6. हम लोगों को पता है कि 2 की पावर 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3, दैट वैल्यू इज इक्वल टू 5 बाय 6. ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं फिफ्थ रूट ऑफ 2 की पावर 5 बाय 6 एंड होल पावर इज 6. अगेन दैट वैल्यू इज इक्वल टू फिफ्थ रूट ऑफ 2 की पावर 5. ओके, 6 टू 6 कैंसिलेशन हुआ, तो दैट वैल्यू इज इक्वल टू 2 की पावर 5 होल पावर 1 अपॉन 5. फाइन बेटा, एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू 2 इज द आंसर. बिल्कुल सिंपल सा लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. अब लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता क्या है, इसका यूज क्या है, पहले हम लोग ये देखें कि इसका यूज क्या है. फाइन, देखना, जैसे कई बार हम लोगों के पास क्या होता है, कोई अननोन क्वांटिटी होती है, उस अननोन क्वांटिटी के हम लोगों को क्या निकालना है, वैल्यूज निकालना है. ठीक है, तो हम लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं. जैसे सपोज फर्स्ट केस में पुटअप करूं, आपके पास सपोज कोई इक्वेशन दे रखी है, डेट इक्वेशन इज ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. एंड द सेकंड इक्वेशन इज ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो. आप सब लोगों को पता है ये लीनियर इक्वेशन है. लीनियर इक्वेशन मतलब एक्स और वाई क्या है, सिंगल पावर में है ना, उनकी पावर क्या है, 1 है, तो इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन. आपको पता है एक्स एंड वाई आर द नोन क्वांटिटी, एक्स और वाई मेरे पास क्या है, नोन क्वांटिटी है, तो एक्स और वाई की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है. एक तो मेथड आपके पास ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं. इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इसको सपोज मैं वाई को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, तो इसको मल्टीप्लाई विद बी टू करूंगा और इसको मल्टीप्लाई विद बी वन करूंगा, उससे दोनों में वाई का कोफिशियंट क्या होगा, इक्वल, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कट जाएगा और फाइनली एक्स की वैल्यूज ऑब्टेन हो जाएगी. एक तो ये सिंपल मेथड होता है जिससे हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. अगर हम इसको फॉर्मुला वाइज डायरेक्टली करना चाहें तो फॉर्मुला क्या होता है, सबसे पहले आप वेरिएबल लिखो एक्स. ठीक है, अब एक्स वाला जो कॉलम है उसको रिमूव कर दो, मतलब ये वाला जो कॉलम है इसको रिमूव कर दो और मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कैसे करेंगे, फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन ऐसा बी वन सी टू और फिर क्या लिख देंगे, बी टू सी वन. ठीक है, तो एक्स, एक्स के नीचे हम लोगों ने लिख दिया डेट वैल्यू इज इक्वल टू बी वन सी टू माइनस, ठीक है, बी वन सी टू माइनस सी वन बी टू. देन सेकेंड क्या लिखेंगे, वाई. ठीक है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर क्या करना है, रिवर्स करना है, इस वाले को रिमूव कर देंगे. अब मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर रिवर्स करना है, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन, पहला मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, ए टू सी वन, पहला मल्टीप्लिकेशन मैंने लिखा है ए टू सी वन माइनस, फिर क्या लिख देंगे, ए वन सी टू. फाइन बेटा, नाउ कॉन्स्टेंट 1, वापस ये कॉलम रिमूव करेंगे सी वन सी टू वाला, लेकिन अब मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर रिवर्स नहीं करना है, तो क्या लिखेंगे, ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन. इससे आप एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो, द वैल्यूज ऑफ एक्स इक्वल टू बी वन सी टू माइनस सी वन, ये क्या होगा, बी टू डिवाइडेड बाय ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन. फाइन बेटा, ओके,
ऐसे ही हम लोग y की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड द वैल्यूज ऑफ y इक्वल टू ए टू सी वन माइनस ए वन सी टू डिवाइडेड बाय ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, है ना। x और y ऑब्टेन हो गए, ये अननोन क्वांटिटी थी। अगर मेरे पास कभी भी ये जनरल मैथमेटिक्स का रूल होता है कि जितने अननोन होते हैं उतनी इक्वेशन होनी चाहिए, नंबर ऑफ इक्वेशन इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, देन यू कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ अननोन, है ना, यूनिक वैल्यूज ऑफ अननोन। लेकिन अगर वेरिएबल ज्यादा है और नंबर ऑफ इक्वेशन आर लेस, कम है, तो उस कंडीशन में हम लोगों को एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं मिलती है, रेशियो ऑब्टेन होता है। जैसे अगर मैं इसमें सेकेंड केस लिखूं, और सपोज आई एम टेकिंग द इक्वेशन इज ए वन एक्स, this is the equation first and this is the equation second, and you have to find out the values of x and y. Here the equation is a1x plus b1y plus c1z equal to 0, and the second equation is a2x plus b2y plus c2, okay, z equal to 0. Suppose I am taking the equation x and y and z, okay. Now again these are the linear equation, but the number of unknowns are 3, hai na, or equations are 2. अगर मेरे पास अननोन ज्यादा है और इक्वेशन कम है, तो यू कांट फाइंड आउट द यूनिक वैल्यूज, ठीक है, ऑफ अननोन्स, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन हमें रेशियो ऑब्टेन होगा। कैसे करेंगे, बिल्कुल वो का वही मेथड है, बस वहां पे जो थर्ड टर्म कांस्टेंट था, यहाँ पर फर्स्ट वाले फॉर्मुले में जहां हम लोगों ने वन यूज किया है, उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, जेड, क्या यूज करेंगे, जेड। तो इससे क्या होगा, अगर हम लोग इसमें फॉर्मुला लिखेंगे तो बिल्कुल एज इट इज उसी तरह से हम लोग लिखेंगे, हम लिखेंगे x, वापस डिनोमिनेटर वही b1 c2 माइनस c1 b2, ठीक है, देन y, दिस इज a2 c1 माइनस a1 c2, एंड दिस इज द z, एंड z इज a1 b2 माइनस a2 b1। यहाँ पर हम लोगों को अननोन्स का रेशियो ऑब्टेन हो जाएगा। जैसे अगर आप x बाय y फाइंड आउट करना चाहते हो, तो वैल्यूज ऑफ x बाय y इक्वल टू b1 c2 माइनस c1 b2 इक्वल टू, ठीक है, that value is equal to a2 c1 minus a1 c2. Yeah, you have to find out the values of x by z. This is b1 c2 minus c1 b2 divided by a1 b2 minus a2 b1. या फिर कई बार हम लोग इसको k के इक्वल भी कर देते हैं, मतलब यहाँ पर हम लोग क्या मेंशन करते रहते हैं, the ratio is equal to k, then find out the values of x, y and z are the term in the terms of k, है ना, x, y, z सबकी values किसके terms में आ जाएगी, k के terms में आ जाएगी, fine, ठीक है। तो इससे हम लोग इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। एक नेक्स्ट मेरे पास होता है कंपोनेंट रूल और डिवाइडेंड रूल, जो तुम लोगों ने कई बार 9th 10th क्लास में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज किया है, अधिक ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करते थे, ठीक है, और कुछ एलजेब्रा के क्वेश्चन में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। तो कंपोनेंट रूल एंड डिवाइडेंड रूल, क्या होता है भैया, ठीक है, आप सब लोगों को पता है कि इसमें हम लोग करते हैं okay. हाँ जी बेटा, जैसे सपोज आप लोगों के पास कोई रेशियो गिवन है, है ना, रेशियो गिवन क्या है, a बाय बी इक्वल टू सी बाय डी, ठीक है, a बाय बी इक्वल टू सी बाय डी। अगर इनमें दोनों में हम लोग प्लस वन कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राइट हैंड साइड पे भी आप प्लस वन लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड पे भी प्लस वन लिख सकते हो, उससे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड अभी भी इक्वल टू मेंटेन करेंगे। तो मैंने क्या किया, एड प्लस वन, ठीक है, एंड राइट हैंड साइड एज वेल एज लेफ्ट हैंड साइड, नाउ द क्वांटिटी बिकम्स ए बाय बी प्लस वन इक्वल टू सी बाय डी प्लस वन। Now numerator is a plus b divided by b and c plus d divided by d. Now subtract 1 in right hand side as well as left hand side. Now the quantity becomes a by b minus 1 equal to c by d minus 1. Now the quantity is a minus b upon b equal to c minus d upon d. This is the equation first and this is the equation second. Okay, now divide equation first divided by equation second. Now the quantity become a plus b divided by a minus b equal to c minus d divided by, okay, c plus d divided by c minus d. It means if you have a ratio a by b equal to c by d, then you can convert the equation, yeah, ratio in the terms of a plus b divided by a minus b equal to c plus d divided by c minus d. Okay, so ye to ho gaya hum logon ka, kya hota hai c and d,
इसको हम लोग शॉर्ट टर्म में क्या बोलते हैं, सी एंड डी रूल, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, सी एंड डी रूल। सी एंड डी रूल, ठीक है, हम लोग जल्दबाजी में इसको यही बोलते हैं, सी एंड डी रूल। ठीक है, सपोज आई एम पुटिंग द क्वेश्चन, सपोज आई एम टेकिंग दिस इज एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, डेट वैल्यू इज इक्वल टू दिस इज 3/4/1, फाइंड आउट रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन होता है, सपोज आई एम टेकिंग दिस इज द क्वांटिटी ए एंड दिस क्वांटिटी इज बी, ठीक है, ये क्या है ए और ये क्या है बी। ठीक, तो अगर हम लोग सी एन डी अप्लाई करेंगे तो हम लोगों को पता है अगर ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी है, तो बाय द सी एन डी हम लिख सकते हैं ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाय सी माइनस डी। तो मैंने यहाँ पे क्या अप्लाई किया, अप्लाई सी एन डी रूल, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं एडिशन करूंगा तो एक अननोन कट जाएगा और इसे सबट्रैक्ट करूंगा तब भी एक अननोन कट जाएगा। तो जैसे ही सी एन डी अप्लाई करूंगा तो डेट वैल्यूज बिकम्स एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई। नाउ दिस क्वांटिटी इज 4+1 डिवाइडेड बाय 4-1। आपने कहा बिल्कुल सही है सर, अगर मैं न्यूमरेटर को देखूंगा तो वाई टू वाई कैंसिलेशन हुआ, डेट वैल्यू इज इक्वल टू 2x, अगेन डेट वैल्यू इज इक्वल टू 2y, 4+1 डेट वैल्यू इज इक्वल टू 5 and 3, व्हाट इज द रेशियो ऑफ x बाय y, डेट वैल्यू इज इक्वल टू 5/3। तो कभी भी आपको इस तरह के टर्म नजर आते हैं जिसमें ऐड करने पर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें तो उससे वेरिएबल रिमूव हो रहा हो, तो आप सी एन डी अप्लाई करें वहां पर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल को आपने 10th क्लास में भी स्टडी किया था कि पॉलीनोमियल क्या होता है। ओके, तो एनी एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a नॉट xe पावर n प्लस a1 xe पावर n माइनस 1 प्लस a2 xe पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन, दिस इज an। ठीक है, तो इट्स कॉल्ड द पॉलीनोमियल। ये क्या होता है, इट्स कॉल्ड पॉलीनोमियल। इस एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड द पॉलीनोमियल। खास बात कहां है, क्या है इसकी, यहां पर जो हाईएस्ट पावर ऑफ x होता है ना, ये एक तो ये ध्यान रखना है कि n क्या होता है, होल नंबर होता है, मतलब कहां से स्टार्ट होता है, इधर 0 1 2 3 5 जो भी। ठीक है, और जो हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री होता है इसमें, क्या बोलते हैं उसको, डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल क्या चीज होता है, ये होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। जैसे अगर मैं ये कहूं कि हियर पी ऑफ एक्स इज पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री, बताइए हाईएस्ट डिग्री क्या नजर आ रहा है, तो मेगा सर डिग्री एन। ठीक है, डिग्री एन, लेकिन ये डिग्री एन का पॉलीनोमियल तभी होगा जब यहाँ पर क्या होगा, प्रोवाइडेड दैट ए नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे नंबर क्या है, ये ए जीरो ए वन एंड सो ऑन ए एन, दीज आर द कॉन्स्टेंट्स। क्या है ये, कॉन्स्टेंट है, लेकिन किसमें होने चाहिए, रियल नंबर में। ठीक है, ये सब क्या है, कॉन्स्टेंट है, लेकिन किससे किससे रिलेटेड होंगे, रियल नंबर। अब आप ध्यान से देखो मैंने क्यों लिखा है कि प्रोवाइडेड इट ए नॉट इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर ए नॉट की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो उस टर्म में ये वाला, उस कंडीशन में ये वाला टर्म क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, और अगर ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगा तो डिग्री उसकी एन नहीं होगी, डिग्री उसकी क्या हो जाएगी, एन माइनस वन। सो इफ आई एम सेइंग दैट दिस इज द पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री एन, इट मीन्स ए नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। ओके, क्योंकि अगर a नॉट जीरो हो जाएगा तो फिर डिग्री n नहीं होगी, क्योंकि ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, और डिग्री कितनी हो जाएगी, n माइनस वन। फाइन बेटा, अच्छा मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, सबसे पहले ये बताना है कि वो पॉलीनोमियल है या नहीं है।
If this is the polynomial, then what is the degree of this polynomial? For example, suppose I'm taking this is the p of x, and that value is equal to x cube plus 2x plus 1. सबसे आप पहले आपको यहाँ पे पॉलिनोमियल के लिए बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, और इफ दिस इज द पॉलिनोमियल देन व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल होगा, तुमने कहा यस सर पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस टू एक्स प्लस वन, एंड डिग्री इसकी क्या हुई, थ्री हो गई. सपोज आई एम टेकिंग पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, नाउ दिस इज पॉलिनोमियल, यस दिस इज द पॉलिनोमियल एंड द डिग्री इज टू, एक्यूरेट है. आप सब लोगों ने आंसर बिल्कुल सही बताया. Suppose I am taking p of x is equal to x e power 5, okay, plus x cube plus 1. Polynomial, yes, this is the polynomial and degree is 5. Fine, beta. Now, fourth, suppose I am taking this is the x cube minus root over x plus 1. This is the polynomial. X cube minus x e power 1 by 2 plus 1. This is not a polynomial. क्यों? क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये जो x की पावर 1 बाई टू है ना, इसकी पावर क्या बन गई, 1 बाई टू. और मैंने अभी अभी कहा था कि n जो होगा, ये जितनी भी पावर्स होंगी वो क्या होंगी, होल नंबर्स, है ना. तो इसका मतलब ये क्या आना चाहिए, आइदर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 1 बाई टू है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो डिग्री नहीं है, ठीक है. नेक्स्ट मैंने लिखा आप लोगों के लिए, हाँ बेटा, नेक्स्ट मैंने आप लोगों के लिए पुटअप किया पी ऑफ एक्स. और पी ऑफ एक्स सपोज आई एम टेकिंग x प्लस वन अपॉन x, बताइए ये पॉलिनोमियल होगा, नहीं ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि सेकेंड वाले टर्म में जो पावर आएगी वो x की क्या होगी, पावर इज माइनस वन, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है. अब मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम. रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है भाई, रिमाइंडर थ्योरम, जैसे सपोज पी ऑफ एक्स कोई भी पॉलिनोमियल है और उसको हम डिवाइड करते हैं एक फैक्टर से, एक्स माइनस ए से, तो उस कंडीशन में पी ऑफ ए जो होता है उसको क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड द रिमाइंडर, है ना. दिस इज द रिमाइंडर थ्योरम. जैसे लेट पी ऑफ एक्स इज एनी पॉलिनोमियल, इफ पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय x minus a, मतलब this is the one factor x minus a, then p of a is called remainder, ठीक है. अब आप सब लोगों को पता है p of a मतलब क्या हुआ, p of a मतलब क्या हुआ, जैसे कोई polynomial है, ठीक है, कुछ भी polynomial दे रखा है, तो उसमें क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू a, x की जगह a पुट कर देना है, तो उससे आपको क्या ऑप्टेन होगा, p of a, ठीक है. तो अगर मैं कोई भी पॉलिनोमियल है उसको x माइनस a से डिवाइड करता हूँ, तो रिमाइंडर जो होता है उसको क्या होता है, डेट वैल्यूज इक्वल टू p of a. p of a मतलब वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू a, मतलब उस पॉलिनोमियल में x की जगह a पुट करने पर जो वैल्यूज आएगी वो रिमाइंडर कहलाएगी, ओके. अब नाउ द फैक्टर थ्योरम. This is the remainder theorem and now factor theorem. Factor theorem. Factor theorem क्या बोलता है आपसे? Okay. If P of A equal to zero, बेटा एक बात बताओ, अगर कोई भी factor होता है तो इसका मतलब वो completely divisible होता है. जैसे suppose I am taking x minus 2 is the factor of x square minus 3x plus 2. तो जब मैं x माइनस टू से उसको डिवाइड करूंगा तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ठीक है. इसका मतलब क्या होता है, इफ p ऑफ a इक्वल टू जीरो, मतलब रिमाइंडर क्या हो रहा है, जीरो है, व्हेन यू आर पुटिंग x इक्वल टू a द वैल्यूज ऑफ p ऑफ a इक्वल टू जीरो, इट्स इंप्लाइज x माइनस a इज वन फैक्टर ऑफ given polynomial p of x. जो भी polynomial होगा उसमें अगर x is equal to a put up करने पर zero आ रहा है तो x minus a उस polynomial का एक factor होगा, fine. जैसे मैं बहुत छोटे छोटे से question लिखता हूँ, ये 9th-10th class में भी तुम लोगों ने किए थे. मैंने लिखा if x minus a is factor of
एक्स क्यू माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, ठीक है, देन फाइंड आउट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए, पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए, ए की पॉसिबल वैल्यूज फाइंड आउट करना है। ओके, आपने कहा कि x माइनस ए इसका एक फैक्टर है, गिवन क्या है, गिवन इक्वेशन में स्टेटमेंट क्या है, द स्टेटमेंट इज x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ दिस गिवन एक्सप्रेशन है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, रिमाइंडर जीरो होना चाहिए, तो इट्स इंप्लाइज p ऑफ a शुड बी इक्वल टू जीरो, p ऑफ a इट मींस पुट द वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल टू a इन द गिवन पॉलीनोमियल, इट मींस दैट वैल्यू इज इक्वल टू a क्यूब माइनस a स्क्वायर मल्टीप्लाई विद a प्लस 2 इक्वल टू 0, नाउ दिस इज a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस a प्लस 2 इक्वल टू 0, इट मींस दिस इज a प्लस 2 इक्वल टू 0, इट मींस पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a इक्वल टू माइनस 2, दैट इज द आंसर, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। सेकंड मैंने पुट अप किया, सपोज आई एम टेकिंग टू पॉलीनोमियल्स दैट इज p ऑफ x that value is equal to kx cube plus 3 x square minus 3 and the second polynomial is q of x, ठीक है, ये polynomial को हम किसी तरह से भी represent कर सकते हैं, f of x से भी represent कर सकते हैं, p of x, q of x, तो दोनों में difference create करने के लिए एक को मैंने ले लिया है p of x, second is q of x, that is 2x cube minus 5x plus k, ठीक है, fine, when these polynomials is divided by x minus 4, this is the factor, leaves same remainder then find out possible values of k. Okay, now देखो first वाले expression को अगर हम लोग देखेंगे तो remainder क्या होगा, remainder क्या होगा, आपने कहा था कि अगर x minus इसे divide करते हैं तो remainder क्या होता है, remainder is p of a, तो remainder 4 first polynomial that value is equal to p of 4, a की जगह क्या आएगा 4, p of 4 it means that is 4 cube 64k plus, okay, this is 16 multiplied with 3 48 minus का 3, remainder 4 second polynomial है ना, with respect to second polynomial this is q of 4, again that value is equal to 64 multiplied with 2 128, okay, find minus 20 plus k, now question is saying that both remainders are equal, it means p of 4 equal to q of 4, it means that value is equal to 64k plus 48 minus 3 equal to 128 minus 20 plus k. Now, so what are the possible values of k? This is 63k, hai na? Okay. Now, 128 minus 20, okay, minus 48 plus 3, okay. So, 48 or 20, 68, remove karenge 68, so that quantity is 60 plus 3, 63. तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k इक्वल टू 1, ओके, चलो आज के लिए लेक्चर के लिए बहुत है, नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग वापस इसी से कंटिन्यू करेंगे, हम लोगों के पास एक्चुअली बेटा लेक्चर के लिए टाइम लिमिट है 15 टू 20 मिनट्स, ओके, थैंक यू एंड वेरी मच, थैंक यू बेटा।